अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काजिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काजिम के पेट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अभी जो है ना, मैं साकिब भाई के पास जा रहा हूँ, जहाँ से पहले अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं जहाँ से मैंने वो पिजन्स लिए थे ना अपने, वहीं पे मैं जा रहा हूँ उनके पास। वहाँ पे उनके पास एक अंगोरा रैबिट है, तो वो आज मैंने उनसे पिक करना है। तो अभी बस मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ, तो उनके सेटअप पर जाके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो ये जो है वो रैबिट लेके आ गए हैं, दिखाएं ज़रा। भाग असल में ना इसको आपने रखना है रेत लेके ना, चार जगह बना के रेत को ना आपने दो टाइम गीला कर देना, फिर ठंडा पानी लेके ना उसे गीला कर देगा ना। ये क्या है, मेल है फीमेल है? यार वैसे ये मेल करके मैंने लिया था लेकिन अब ये सॉरी फीमेल करके लिया था, ये निकल मेल आया। अच्छा यार दोबारा तसल्ली कर लेना, मेल निकले फीमेल निकले। अच्छा ठीक है, तो आपने लगा लेना। तो पता कैसे चलता है? अच्छा जिसमें बकरों को पालता है। हाँ तो ये मेल है? हाँ कंफर्म। हाँ चलो ठीक है, ये अब इंशाल्लाह आपके पास रहेगा ना, गर्मियाँ गुजार जाए ना फिर इसकी आपने आप बाल वगैरह सेट हो जाएंगे। अच्छा मैंने इनकी कटिंग की थी कैंची से। अच्छा थोड़ी बहुत काट दिया करना कैंची से कटिंग ताकि गर्मी वगैरह ना लगे। तो अभी जो है ना रैबिट वहाँ से मैंने ले लिया है और अभी बहुत जो है ना गर्मी है और ये पीछे जो है ना रैबिट इस बॉक्स में है, तो जल्दी जल्दी पहले मैं घर जाता हूँ, इसको वहाँ जाके जो है ना खोलते हैं क्योंकि वैसे भी गर्मी लग रही होगी, वैसे भी बहुत गर्मी है, तो इसलिए जल्दी से चलते हैं घर वापस। तो ये अपने अंगोरा रैबिट को जो है ना मैंने यहाँ पे अंदर छोड़ दिया है क्योंकि ना इनको लगती है गर्मी ज़्यादा, तो इसलिए ये रेत जो है ना ये ठंडी ठंडी रेत है, यहाँ पे जो है ना ये सुकून से रहेगा, इसे यहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी, छाँव भी है, और ये इसके लिए यहाँ पे मैं ये रख देता हूँ, ये इसके लिए यहाँ पर जो है पट्टे भी रख दिए मैंने और पानी जो है इस वाले में जो है ना इसको पानी भी डाल देंगे, और ये मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इस तरह बंद, और यहाँ से ये भी कर देता ताकि बाहर ना आ जाए। और इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और एक बहुत ही बड़ा जो है ना नुकसान हो चुका है, एक खुशखबरी भी है और एक बहुत ही बुरी खबर भी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ अपनी बुरी खबर, और वो ये है कि ये देखें हमारी जो ये वो ब्रह्मा की बड़ी वाली जो मुर्गी थी ना, ये बेचारी मरी पड़ी है यार। यार इसको पता नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल सुबह हेल्दी थी, रात को बिल्कुल इसको मैंने सही बंद किया है यहाँ पे, और अभी मैं आया हूँ और ये देखें ये अकड़ी पड़ी है यार, इसका मतलब है इसे मरे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मुझे तो कोई समझ नहीं आया इसको क्या हुआ है, या तो गर्मी लग गई है, हालाँकि यहाँ पर ये रेत में थी, रेत तो ठंडी होती है लेकिन फिर भी यार मरी पड़ी है, ये कोई समझ नहीं है इसको क्या हुआ है। खैर अब क्या हो सकता है बेचारी को, अभी हमारे पास मेरे पास सिर्फ दो रह गई थी, एक ये थी और एक इसके अलावा ये घूम रही है, ये तो ये वो छोटी वाली है और ये जो है बड़ी वाली थी, ये बेचारी मर गई है यार। इसको जाके मैं सफाऊंगा, और यार बहुत शदीद किस्म की गर्मी है इस टाइम, और बुरी खबर तो अभी आप लोगों को मैंने बता दी है, और अच्छी खबर एक ये है कि यहाँ पे जो ये वाले कबूतर है ना, ये वाला जो पेड़ है यहाँ पे ये कबूतरी बैठी हुई है और उसके नीचे एक अंडा है, और वो मुझे लग नहीं रहा कि ये जो है ना ये इसका अपना अंडा है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसका साइज़ दिखा देता हूँ, ये बहुत बड़ा इसका जो है ना अंडा है, कुछ कहेगी तो नहीं साइज़ इस अंडे का, ये देखें ये मेरे ख़्याल में हमारी जो वो वाइट बंटम है ना,
ये जो है ना हमारी मेरे ख्याल में वाइट बेंटम का अंडा है, जो कि उसने वो यहीं पे देती थी रोज़, और अभी जो है यहाँ दिया तो ये वाली जो कबूतरी है इसने अपने नीचे रख दिया। तो ये भी अंडा जो है ना, अच्छा जब मैं आया था मुझे लगा कि शायद ये अंडा जो है ना इस कबूतरी ने दे दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा इसका साइज़ है अंडे का, तो ये इसका नहीं हो सकता। वैसे एक काम और भी इसका किया जा सकता है कि इस अंडे को जो है ना इसी कबूतरी के नीचे मैं रख दूँ, और वैसे तो निकल ही आएंगे बच्चे, क्योंकि कबूतरी जो है वो सही से इनक्यूबेट करती है। बस ये है कि जैसे कबूतरों के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 14 दिन में निकल आते हैं, लेकिन मुर्गी के लिए जो है वो 21 दिन चाहिए होते हैं। तो 21 दिन ये कबूतरी जो है इसको रख लेगी अपने नीचे, लेकिन ये रिस्की काम ही है और मैं जो है ना ये रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे जो कबूतर हैं ना वो अपनी ब्रीडिंग करें, मतलब अपने जो है ना ये अंडे निकालें और उसमें से फिर जो है ना अपने कबूतरों के बच्चे निकालें, क्योंकि ये वाले जो अंडे हैं ये तो हम किसी मुर्गी के नीचे भी रख सकते हैं बाद में, तो उसमें से बच्चे निकल तो आएँगे। तो इसलिए अभी मैं ये अंडा उठा लूँगा इसके नीचे से, ताकि ये अपना अंडा दे और फिर जो है ना उसमें से बच्चा निकले इनका। और यहाँ पे जो है दूसरे अपने जो कल, और ये अंदर किधर घूम रहा है, चलो बाहर। ये बड़ा इनका जो है ना ख़तरनाक काम है, इन्होंने अंडे देख के ना वो तोड़ देने और खा जाने, और हमारे जो कबूतरों के अंडे हैं ना वो ज़ाया हो जाने हैं, इसलिए बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि ये तो ठीक है इस कबूतरी के अंडे, और इसका भी एक, अभी एक ही अंडा है, इसने दूसरा नहीं दिया। तो इनको पट्ठे भी मैंने डाल दिए हैं, यहाँ पे खाना भी डाल दिया है, और ये बाहर जितने भी मेरे पेट्स थे इन सारों को मैंने डाल दिया है। तो अभी गर्मी बहुत है तो सारे जो है ना वहाँ अपने छांव में जो है ना वहाँ पे छांव में बैठे हैं अपने अपने केजेस के अंदर, और हमारा जो एक रैबिट है ना बड़े वाला वो सामने बैठा नहीं, अच्छा ये तो वो चूज़ा है, यहाँ पता नहीं रैबिट भी जो है ना यहीं पर घूम रहा था, अभी मैंने नज़र आया था जब मैंने वो पट्ठे रखे हैं ना वहाँ पर तब बाहर आया था। तो और एक छोटा वाला रैबिट हमारा उस एसी के नीचे है। कि मैं आप लोगों को दोबारा से अपना अंगोरा रैबिट दिखा देता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा चाहिए इसका साइज़, आप देखिए कैसे यहाँ पे ये पड़ा हुआ है सुकून से। वैसे तो इसकी सांस जो है ना थोड़ी ज़्यादा ऐसे तेज़ तेज़ ले रहा है, लेकिन है बहुत प्यारा है, देखें रेड आइज़ हैं इसकी। इसको मैं अभी दोबारा से ये खिलाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये खाता है तो। हेलो, खा नहीं रहा यार ये, पता नहीं क्या है, इसको भूख नहीं लग रही ये क्या है। खा रहा है ये गुस्से से इसने साइड पे किया है, पता नहीं खा रहा है ये देखिए खा रहा है। खा लो, नहीं अभी मुंह से साइड पे करता है या खा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे जो है ना इसके लिए मैं पानी भी रख देता हूँ। और ये देखें ये फाइनली हमारा ये बड़े वाला रैबिट ना ये कहीं से निकल आया है, पता नहीं कहाँ ये घूमते रहते हैं दोनों, ये वाला भी और छोटे वाला भी। और ये बेचारी हमारी वो ब्रह्मा की, जो इसको भी मैं जाके दफना दूँगा, इस रैबिट को भी उन्हीं के साथ उसके साथ ना अंदर बंद कर दें। चलो भाग गए, वो देखें पता नहीं कहाँ जाके छुप जाते हैं ये, इधर देखें तो सही कहाँ जाते हैं ये। ये रहा, किधर जा रहे हो भाई तुम, बाहर निकल आओ, ज़रा देख लेते हैं कि दूसरे वाला जो है वो भी यहीं कहीं ना छुपा हुआ। ये तो हमारा यहाँ डक का बच्चा है, बेबी डक, जो कि अब बेबी नहीं रहा, ये बहुत बड़ा हो गया है माशाल्लाह से। और ये हमारे बेंटम और गोल्डन सबराइट। तो ये देखिए अभी ना यहाँ पे मैं पानी लगाया था, ये जो हमारा कबूतर है ना ये बार बार अपना पार ऐसे ऊपर करता था कि इसके ऊपर मैं पानी फेंकूँ। ये देखिए बड़ा जो है ना अच्छा है लग रहा है, पतली इसको शायद गर्मी ज़्यादा लग रही है तो ये ऐसे जो है ना पानी में ऐसे खेलना चाहता है, तभी मैं इसके ऊपर ऐसे करके पानी फेंकता हूँ। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, ये ना पता चले इसको बुखार हो जाए, गर्म सरद हो जाए, क्योंकि गर्मी है ना पहले। इसके ऊपर तो मैं ऐसे करके जो है ना पानी फेंक रहा हूँ, चलो काफ़ी गीला हो गया है, बीमार ही ना हो गया।
अंदर भी यहाँ पे थोड़ा पानी लगा देता हूँ मैं, पहले मैंने थोड़ा सा लगाया है। और ये अपना जो बैठा हुआ है रैबिट, इसके केज में भी मैं जो ना डाल देता हूँ ताकि रेत थोड़ी ठंडी हो जाए। ये हमारा वो कल असील परसों बल्कि जो बेचारा ज़ख्मी हो गया था, इसको मैं दोबारा ये दवाई लगा देता हूँ। और ये अभी निकल के बाहर इधर घूम रहा है, बाहर चला गया, इसको मैं पकड़ लूँ क्योंकि अभी इसकी आंखें ठीक है जो है ना पूरी तरह नहीं हुई है, देखें अभी इसकी ना सही नहीं हुई, तो इसको अभी बाहर छोड़ना जो है ना वो ठीक नहीं है। इसको यहीं रखते हैं कुछ दिन अंदर, और फिर उसके बाद जो है ना जब प्रॉपर ठीक हो जाएगा उसके बाद इसको छोड़ेंगे। मैं तरह इसको पहले लगा लूँ, दवाई ऐसे लगाई नहीं जाएगी। तो अभी दवाई जो है ना वो मैंने इसे लगा दी है, तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ नहीं फिर बाहर आ जाएगा। तो अभी बंद कर दिया मैंने इसको, अब ये कुछ दिन यहीं पे रहेगा, उसके बाद देखते हैं जब ये ठीक हो गया ना प्रॉपर फिर इसको बाहर छोड़ेंगे, वरना फिर किसी ने मार मार के ना इसको दोबारा से इसके ज़ख्म जो हैं वो दोबारा खोल देने हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना अच्छा लगा होगा अंगोरा का, अंगोरा रैबिट जो है मेरा। और आज ये बहुत ही बुरी न्यूज़ थी आते साथ जो मिली थी, ये जो हमारी बेचारी मर गई है ब्रह्मा की फीमेल। और बहरहाल चलो खैर क्या कह सकते हैं कि ज़िंदगी इतनी लिखी थी। और दूसरा मुझे लगा कि बड़ी खुशखबरी आ गई है कि हमारे इन पिजन्स ने भी अंडा दे दिया, लेकिन पता चला कि वो तो हमारी वाइट वाली बेंटम का अंडा था। तो इसको जो मैं नीचे ले जाऊंगा और फिर कोई हमारी मुर्गी जब कुड़क होगी तो उसके नीचे ये वाले अंडे रख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और मेरे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।